अनु भाई ने प्रपोज करने वाले थे, जाओ भाई इन्हें तो जानते हो, मेरे दोस्त हैं और ये अनु भाई के दोस्त हैं। अनु भाई ये अपने दोस्त को चने खुलाते हुए गुड मॉर्निंग इंडिया, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और भाई आज हम जा रहे हैं एकदम खतरनाक वाली जगह, क्योंकि ये जंगल, और ये जंगल ना भाई इतना बड़ा, लेकिन जंगल में नहीं जा रहे, जंगल में जा रहे हैं। हमारे साथ आज लेके जो जा रहे हैं ना, हमें आज जो हमें लेके जा रहे हैं गोलू भाई, अनु सागर, इन्हें प्यार से हम गोलू भाई कहते हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे तक ना भाई गोल मटोल है। ये कह रहे आज मेरे साथ चलो, अब वो भी बाइक से जा रहे भाई हम। सुमसान सड़क और सड़क के बीच में खड़े हमारे अनु सागर गुआड़ी, यहीं पे अपना टेंडर काट देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या मौसम भाई, ये मुझे लोकेशन पूरी फॉरेनर वाली लग, और दो ही घर हैं और ये लोग यहीं पे रहते हैं जंगल के बीचों बीच। भाई जंगल के बीच में इतनी शानदार लोकेशन, और यहाँ पे मोर घूम रहे आराम से इजिली, ये किसी ने खोते घेर दिया, और भी मस्त लगता है देखने में। अनु भाई से गोद में उठा लो तुम, और तुम्हारा फोटो खींच दूंगा मैं। भाग गया। फाइनली भाग ही गया यार वो, हमें देख के नहीं मस्त। कौन सा अंकित इसमें गोलू भाई? पता है आपको, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है। हाँ नहीं, दो है, दो है तो, और एक सीख है। हाँ तो ये है अंकित। अच्छा ठीक है, थोड़ा गोरा है ना। अच्छा अंकित भाई को काला बता दिया यार, ये तो गलत बात है यार, पर बाल नहीं है यार इसके, यार बाल वाला ढूंढना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। चलो ढूंढते हैं, चलो ढूंढते हैं। अंकित भाई देख रहे हो क्या बोल रहे हैं आपको, बाल वाला अंकित ढूंढने जा रहे हैं, यहाँ तक मिला नहीं है कोई, अभी आगे जाके ढूंढते हैं। और भाई लोकेशन यार, यहाँ ऐसी लोकेशन है, भयंकर टेंट लगाओ, रात भर पड़े रहो भाई। जैसे ही बरसात शुरू हो जाती है ना, तो उत्तराखंड की देखो खूबसूरती कैसे बढ़ जाती है, ये जगह जगह से पानी निकलने लगता है, और इतना सुंदर साफ सुथरा पानी है ना भाई, इतना मजेदार पानी है कि लोग हरियाणा वाले आके हमसे पानी पीते, देखो जहाँ से गाड़ी वो खड़ी आगे, अभी आगे दिखाएंगे आपको। पर ब्यूटी इसकी इतनी बढ़ जाती है ना, वाओ बहुत साफ सुथरा दिखा ना ये देखो भाई, हथेली में तो कुछ और दिख ही नहीं रहा, उस समय पानी मतलब पानी भी नहीं दिख रहा, इतना साफ पानी है, क्या अमेजिंग है यार, इसे कहते हैं असली नेचुरल भाई। ये जैसे पानी निकल गया ना चलता रहता है आपका नेचुरल। भाई ये जाता नीलकंठ का रास्ता है, पैदल पैदल, और देखो कितने लंगूड़ बैठे हैं भाई। नीलकंठ से आ रहे हो भैया? कितने ऊपर है यहाँ से? 8-9 किलोमीटर भाई, 8-9 किलोमीटर में तो कम से कम नहीं तो 2 घंटे लग जाएंगे है ना भाई। कितने सारे बैठे हैं भाई। हेलो अंकित, जा फोटो खिंचा ले अंकित के साथ, जा अन्नू भाई ऊपर वाला। ओ भाई हेलो बोल, नीचे बैठ कर, नीचे बैठ कर, इधर आ जाओ भैया, पूरा साइड आ गया, आ गया, आ गया। अनु भाई ये अपने दोस्त को चने खुलाते हुए, अंकित को खाने को, अंकित को चने खिलाते हुए। चने खिला लो भैया, चने खिला लो, 10 रुपए की पैकेट, आ जाओ आनंद ले लो। अरे फोटो क्या, पूरी वीडियो बन रही। ओ ओ वे यार खत्म हो गया, सॉरी खत्म हो गया। वो हाथ पकड़ लिया इसने तो, हां वो जब तक रहेगा हाथ में वो खाएगा वो बैठ के। लाल भाई हम परमार्थ निकेतन को निकलते हुए जा रहे थे ना, तो भीड़ देख रहे हो कितनी हो रही है, पानी का स्तर भी बढ़ गया। चलो आपको हनुमान जी के दर्शन ही कराते हैं, जब यहाँ तक आए हैं तो कर लो भाई हनुमान जी के दर्शन भी, अमेजिंग एकदम प्यारी लगती है एक देखने में, लगती नहीं भाई? दोस्त कहाँ से हो आप? गुजरात से आए हो, वाह भाई इन्हें तो जानते हो, मेरे दोस्त हैं और अनु भाई के दोस्त हैं। पूनम पांडे जी, पूनम पांडे जी, ये सब नहीं चलता ब्लॉग में। अनु भाई तुम्हारे लिए ग्लैमर, अनु भाई ने प्रपोज करने वाले थे, जाओ कर दे भाई, तुम ही तो बोल रहे थे।
भाई इन लोगों का तो गाड़ी हो गया, पूरा मेला बना के रखते हैं यहाँ पे, है ना, सभी जगह मिलते हैं। घूमने के लिए पैसा लगता है। हम कहाँ जा रहे हैं, इसमें जाएगा क्या नीचे? गुड टाइम फॉर कैफे। यार यहाँ की फॉरनर कितनी अच्छी होती है यार, अपना आप ही हंस लेती है हमारे हंसाने से पहले, इतनी क्यूट क्यूट भाई। अब पता नहीं अनु भाई कहाँ ले जा रहे हो, गंगा में ले जाके उतारेगा क्या? अनु उतार दे अनु इधर को। भाई मैंने पहला कैफे देखा जिसमें अंकुर अनु भाई के जूते उतरवाए जा रहे हैं, तो उतारो फिर जाओ। ये फ्रीडम कैफे, और फ्रीडम कैफे में भाई लोकेशन देखो यार कितनी अमेजिंग है ये, वैसे यहाँ भाई देख रहे हो। मैंने क्या है अनु भाई के स्कूल टाइम का कैफे है ये भाई, यहाँ पे इसीलिए चप्पल जूते उतरवाए थे ताकि ऊपर गंदा ना हो, क्योंकि इतना बढ़िया बना रखा है ना ये। यहाँ बैठने बैठने के ना 500 रुपए लिए जाते हैं, अब मैं तो जा रहा हूँ तुम बैठते रहो ठीक है भाई। इतना तगड़ा बिल, हम तो रशियन देख के ही खुश हो जाएंगे, हमें नहीं चाहिए फ्रीडम कैफे। लेकिन यार एक गलती हो गई यार, पूरा बैग भीग गया, पानी पानी हो गया अब जा। हाँ तुम्हें तो लगेगा मैं टॉयलेट कर रहा हूँ। भाई इतने बड़े कैफे में आके हम 10-10 रुपए वाला आइटम ढूंढ रहे, कहाँ है? पूरी की पूरी किताब छान दी, आइटम तो देख रहे इनके पास कितने हैं पर 10 वाला नहीं मिला यार। हमें तो मोमोज चाहिए थे 10 रुपए के चार। गरीबों का कैफे नहीं है इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ, अमीर लोगों के साथ चलो। अमीर लोगों के साथ चार दिन की अमीरी फिर गरीबी। तो भाई पहली बार ऋषिकेश में इतने अच्छे रेस्टोरेंट में आया, रेस्टोरेंट बोलते हैं कैफे, कैफे बोलते जो अनु भाई का फेवरेट है, इसका नाम बताओ। फ्रीडम कैफे। फ्रीडम कैफे जो कि ये बचपन से आते थे अपनी अपनी फ्रेंड के साथ, बहुत सुंदर फ्रेंड है, अभी तो पता नहीं कहाँ होगी बेचारी, वो शादी वादी हो गई, शादी हो गई, अब तो शादी हो गई है। लेकिन यहाँ का व्यू इतना अमेजिंग है ना भाई, मुझे वही लेके आया यहाँ पे। लेकिन इसके बाद तो मैं पता नहीं कितने को लेके आया यहाँ पे। अच्छा, और ये आकार है ये भी बता दो लोकेशन इसकी। इसकी लक्ष्मण झूला है, लक्ष्मण झूला के जस्ट बगल में ही है, पुल पार करते ही और एक छोटी सी गली आती मेन रोड से अंदर को, मुझे तो पता ही नहीं था इतना अच्छा अंदर को भी है। मुझे लगा है भाई गंगा में जा रहा डुबकी मारने, तो मैंने अंदर आके देखा भाई। और दूसरी बात ये देखो, बिना जूते चप्पल के अंदर एंट्री होती है, इसलिए जूते चप्पल बाहर ही निकालने पड़ते हैं इसमें, ज्यादा महंगे मत पहन के। कैफे तो भाई एक नंबर का है, वीडियो बनाने के लिए फोटो खींचने के लिए। हमने एक घंटा किताब देखने के बाद हमने पता क्या ऑर्डर करा, वेज नूडल्स, बहुत महंगा आइटम है यार, हम बस फोटो खिंचाने आए थे, इतना ही बहुत है हमारे लिए, छोटे मोटे ब्लॉगर है ना इसीलिए। तो अभी देखते कितने दिन मारता है। मैं तो आप लोगों को सलाह दूंगा अगर ऋषिकेश मारते हैं यहाँ आओ, जब इतने पैसे लगाए थोड़े से और लगा तो 500-600 रुपए में काम हो जाएगा तुम्हारा, और अच्छी लोकेशन मिल जाएगी मस्त भाई, वाकई बहुत अमेजिंग लोकेशन है, मजा आ रहा है यहाँ बैठ के, एकदम पीछे का व्यू जो आ रहा ना भाई एक नंबर नेचुरल व्यू, ऊपर से लकड़ी का बना रहे, और रस्सी भी देखने को मिलती भाई यहाँ पे, बहुत सारी मिली हमें बाहर की। इसकी बातों में मजा ना, मुझे लगा हमने दो करे लेकिन चलो एक ही आया, कम पैसे का कम बजट, बढ़िया भाई। ब्लैक ब्लैक में टेस्ट करके बताओ कैसा लग रहा। या मेरा पैर टूट गया, कैसा लग रहा, नीचे मत गिरा देना, अमेजिंग लग रहा भाई इसको तो। लेकिन ये 150 रुपए की क्वांटिटी जो कि हमारे यहाँ 60 रुपए में ही मिल जाएगी आपको नीचे, पर ऐसा व्यू नहीं मिलेगा ना भाई, बहुत अच्छा है, जबरदस्त मजा आ गया भाई। चाउमीन तो खा ली है पर अब आ रही नींद। अनु भाई अरे तू 50 मंगा ले, मुझे नहीं पता, मेरे पास नहीं है पैसे, बर्तन धुल लेंगे बाद में दोनों भाई बैठ के। भाई प्लेट तू धुल लिया, कटोरिया मैं धुल लूंगा, चम्मच दूंगा, चल चम्मच तू धुल लिया, कटोरी मैं धुल लूंगा, कप कौन धुलेगा यार, प्लेट में दूंगा, कप तू धुलेगा, चल ठीक है ऐसा कर लेते डील। और नींद भी तो आ रही है, एक घंटा सो जाऊं, ये पैसे लेंगे तो बर्तन तो धुलेंगे ही हम, चल ठीक है सो जाते भाई एक घंटा यहाँ पे भाई, इतना मजा आ रहा ना, तो नींद तो आ ही जाएगी, इतना बढ़िया बढ़िया गद्दे पड़े हैं, फटे हुए तकिए, फटे हुए तकिए हैं यहाँ पे, चलो तुम्हें फटे हुए तकिए दिखाता हूँ, ओ ये रहा फटा हुआ तकिया, ओ ये रहा वो ये रहा, इसके पैसे ले रहे हैं यहाँ पे रखने के। भाई अभी अभी एक आके बैठी है फॉरनर, हमें नहीं पता कौन है लेकिन इनका नाम भूल जाता हूँ यार मैं, अनु भाई, अनु भाई कह रहे मैं खिंचाऊंगा फोटो, मैं कह रहा मैं खिंचाऊंगा फोटो, लेकिन मैं नहीं कह रहा, लेकिन दिक्कत ये है कि फोटो खिंचाए क्या, क्या बोल के खिंचाए, हमने कभी फोटो नहीं खिंचाया, हमने खिंचाया तुमने तो डेट भी कर रखा है, देखते भाई कौन जाता, अनु भाई जाते पहले फोटो खिंचाने, तुम्हें दिखाता हूँ कहाँ बैठी है, मरवाया गया जा अनु जा अनु, अरे तू तो बचपन से शेरों के साथ खेलना पड़ा है भाई। भाई हम दोनों के बीच में चल रहा है कि कुर्बानी कौन देगा पहले, तो मैं जाता हूँ पहले देखते हैं क्या होता, अनु भाई अगर झगड़ा बगड़ा हुआ ना, झगड़ा बगड़ा अगर हुआ, नहीं भागना नहीं है भाई, सपोर्ट करना है पूरा,
तुम सन्नी देओल बन जाना, हेडपंप भी नहीं है ना, मैं तो उखाड़ के लाऊंगा। अरे टेबल है, टेबल उखाड़ देंगे, ये जो टेबल रखी ना, ये टेबल, ये सारी उखाड़ लेना तुम, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई फिलहाल ये बाहर का व्यू कुछ ऐसा दिखता है भाई, गंगा के पास से देखो, सामने गंगा का व्यू और पीछे होटल का। और मैंने फोटो खिंचाने के लिए बोला भी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और हंस के बड़े प्यार से मना करा, एंकर पूरा दिल तोड़ दिया यार तेरा भाई का। और अन्नू भाई ने तो खैर ट्राई ही नहीं करा, बस तुम्हारे लिए लेटर। अन्नू भाई बड़े प्यार से मना करा उसने, नो सॉरी थैंक यू। वैसे वो गुस्से में तो थी, मुझे पता था, लेकिन कोई बात नहीं। भाई बाहर से देखने में कुछ ऐसा दिखेगा ये, जहाँ पे अन्नू भाई लेके आए हैं फ्रीडम कैफे ओपन। भाई यहाँ से तो अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ का तुम देखोगे ना एंट्रेंस, इसका पूरा बेकार है, ऐसा नॉर्मल सड़क है एकदम, आपको लगेगा ही नहीं इतना अच्छा रेस्टोरेंट भी इसके अंदर है। तो फिलहाल भाई हम जा रहे हैं अन्नू भाई के कैफे, इनका भी एक कैफे है जो कि इन्होंने अब बताया जब हम उसमें से घूम लिए, फ्रीडम कैफे। तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ, जाके आपको इनका कैफे दिखाते हैं। भाई आज तो बस घूम ही रहा हूँ मैं, और मौसम इतना अमेजिंग हो रहा है ना भाई, ठंडा मौसम, बादल बादल छाए पड़े, बारिश नहीं हो रही, तो कितना अमेजिंग हो रहा है आप समझ ही सकते हो। हटो भाई, हटो 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 भाई, ट्रैफिक 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 ट्रैफिक, बस मैं क्लियर कराता हुआ चल रहा हूँ, कोई बात नहीं, चलो 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 चलो, हो गया हो गया हो गया, लगी ठुकी। फाइनली भाई पहुँच गए अन्नू भाई के कैफे पे, इसका नाम क्या है, तपोवन राइस कॉटेज एंड कैफे। वाह भाई वाह, ये देख लो बोर्ड, बोर्ड के अंदर का व्यू देखो तुम, कितना अमेजिंग बना हुआ भाई, हरियाली के साथ सारी चीज़ें मिलती है यहाँ पे, एक नंबर की, एक बीघे में बना हुआ है, एक बीघे में देख लो एंट्री गेट, ओ यार कितना सुंदर बना रहे। फिलहाल भाई अन्नू भाई के कैफे में, मतलब जहाँ पे हमें लेके आए हैं तपोवन राइस, तो इसके बारे में चलो आपको बता देते हैं अन्नू भाई के साथ ही। भाई देखने में तो बहुत अमेजिंग है और व्यू भी बहुत अच्छा है, तो जैसा कि यहाँ के रेट क्या क्या चीज़ें क्या क्या सुविधा होने वाली है आपको हम बतवा अन्नू भाई के द्वारा। अन्नू भाई ये खड़े हमारे, एक मिनट, यहाँ पे रेस्टोरेंट से स्टार्ट करते हैं, रेस्टोरेंट चलते हैं, आपको रेस्टोरेंट दिखाते हैं, सबसे पहले दिखाएंगे, पहले आपको रेस्टोरेंट दिखाते हैं, आ जाओ। और ये हमारा रेस्टोरेंट है, छोटा सा भी बन रहा है, अभी बहुत जल्दी ये बन के तैयार हो जाएगा, यहाँ सब कुछ चलेगा। प्रॉपर्टी एक डेढ़ साल पहले ले ली थी और अभी ये बन ही रहा है, अभी चल रहा है काम। तो भाई ये अभी जो हम खड़े ना, ये है रेस्टोरेंट भाई का, जो कि अभी इसे कैफे को बने हुए हो गए एक साल। और जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये कमरे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कमरे बने हुए हैं, जिसका एक नाइट का चार्ज है 3500 रुपये, हिंदी में बता देते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा आपको। और एक ऑक्सीजन रूम भी है सामने वाला, जो है बीच में लकड़ी का जो बना हुआ है, ये ऑक्सीजन रूम है। तो अभी वैसे ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, लेकिन लोकेशन बहुत अच्छी है तपोवन के अंदर भाई, इतनी प्यारी लोकेशन, ये पता नहीं किसका, ये आपको बाहर से देखोगे ना तो क्लॉक वाइज दिखेगा, सामने से मेन रोड पर आके ही दिखता है ये बिल्कुल। तपोवन में जैसे एंटर करोगे ना, सबसे पहले यही पड़ता है, लेकिन अंदर से आना पड़ता है। चलो आपको ऑक्सीजन रूम दिखाते हैं, जो कि इस तरीके से बना हुआ है। वैसे मैंने कभी नहीं ली, अभी इसमें काम चल रहा है, अच्छा जल्दी तैयार हो जाएगा, मतलब लाइटिंग वाइटिंग पूरी कुछ है, टॉयलेट इधर, ये टॉयलेट वगैरह है इनकी। तो भाई फिलहाल टूर हो गया है अन्नू भाई का, लेकिन अन्नू भाई की तुमने एक बात देखी, अपने कैफे में लाने से पहले ये किसी और कैफे में हमें खा पी के लिए आए, अब यहाँ पे खाने का मौका ही नहीं मिला यार। तो फिलहाल चल रहे हैं, जैसा भी है मजा आ गया। फिलहाल आज की वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर करें और कमेंट कौन सा पार्ट सबसे बढ़िया लगा है। और आज का टूर हमारा पूरा स्प्लेंडर में, ये कम से कम नहीं तो 50 बार बंद हो, ये फिर होगी बंद भाई छोटी भाई के। अगर कौन सा पार्ट आपको पसंद आया तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और सब्सक्राइब तो बनता है भाई, इतनी मेहनत कर रहे हैं, अब चल रहे हैं।